पहली बात तो ये है कि ये राय नहीं है। चार लोगों के अगर आप मुझे क्लिप सुनाएंगे तो आई नॉट बिलीव ये राय है। पहली बात समझने की ये है कि 15 सालों से लगातार एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसके लिए मैं चीखता रहा कि याद रखिए मेरे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके ज़रिए मेरे ड्रामे को मौजूद से हटा दिया गया है, और ख़ास किस्म के दो मौजू जो हैं वो अब जेर बहस लाए जाते हैं, और इनसे खुदा के वास्ते बच जाइए वरना हम बहुत बुरे रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन ये चीख चिंगाड़ मेरी नकार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ उसके बावजूद कि मैं आई कुड नॉट चेंज दैम, मैंने हमेशा अपनी पूरी जान लड़ाई कि मैं किसी की डिक्टेशन पर कभी ड्रामा ना लिखूं, और मेरा ड्रामा जब भी आए सोशल सेटअप के लिए मैसेज का बायस बने। 10 साल तक हमने सास बहू नंद और उसके ऊपर लिखा, अभी भी खैर वो चल रहा है विजवी। फिर उसके बाद हमने इनसाइड फैमिली जो रेप्स होते हैं उनको मौजू बनाया, और लगा कि हर खानदान में सिवाय रेप्स के कोई काम हो ही नहीं रहा। ऐसे ऐसे रिश्तों को हमने छेड़ा जिनकी बात करते हुए हमें शर्म आती है, जिनके हवाले से बात करते हुए, कहते हुए, सुनते हुए हमारे सर शर्म से झुकते हैं। ये सारा जब इस तरह का कल्चर प्रिवेल करता है ना फराह जी सर, मुझे आपसे एक चीज ऐड करने दीजिएगा आपकी गुफ्तगू में, इस बारे में फरमाइएगा। जैसे आपने कहा कि एक तरफ जिंसी जराइम में इजाफा हो रहा है, आप समझते हैं कि चूंकि हमारा मौसम में कभी मामला बढ़ रहे हैं और ड्रामा ने उसको दिखाना ही है जो वहाँ पे जिंदगी में चल रहा होता है, ये एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख ये है कि चूंकि ड्रामे ये सब कुछ दिखा रहे हैं इसलिए मौसम में ये जराइम बढ़ रहे हैं, आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी राय जो है वो ज्यादा सही है? मुझे फर्क एक बात बताइए, जिनसी जराइम किस माशरे में नहीं है? जिनसी जराइम सिर्फ बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा रोना पीटना करप्शन है, आप करप्शन पे ड्रामे क्यों नहीं बना रहे हैं? आपके यहाँ बहुत सारा, आप याद रखिएगा, मैं यहाँ बहुत सारी बातें होती है मर्दों के खिलाफ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। देयर इज नोबडी एल्स टू टॉक अबाउट दैट। दुनिया में मर्द ने जब भी किसी औरत के साथ ज्यादती की है किसी दूसरी औरत के भरोसे पर की है, तो जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना औरत के साथ उसमें एक औरत इन्वॉल्व होती है। लेकिन अल्लाह माफ करे, मर्द को गाली दे दे के हम कहाँ जाना चाहते हैं? मैं उसकी उसकी उसके सिरे तक पहुंचा हूं। मैं अभी फरा आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहाँ को 2-4 दिन पहले मेरी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात थी, तो बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब KPK का वजीर था, वजीर खजाना था, तो बजट बनाते हुए वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपए जो है वो उसका प्रॉमिस किया, लेकिन जब हमने बजट में डाल दिया, उनकी कमिटमेंट आ गई, तो कई देर उन्होंने हमें वो पैसे नहीं दिए। तो एक दिन मेरी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हो रही थी, तो मैंने कहा जनाब आपने हमें पैसे क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने कहा जब आपके लड़के जो हैं वो सड़कों के ऊपर बिलबोर्ड उतारेंगे और उनके ऊपर मॉडल्स के ऊपर स्याहियाँ फेंकेंगे तो हम कैसे देंगे आपको पैसे? उन्होंने कहा ये स्याहियाँ फेंकते हैं या बिलबोर्ड उतारते हैं ये हमारा कल्चर है। उन्होंने कहा सुनिए सिराज साहब, जब आप भीख लेते हैं ना तो साथ निसाब और कल्चर दोनों लेते हैं। आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रही तो खुदा के वास्ते मैं अपनी कौम से कहूंगा कि इस बात को समझिए। जब तक आप भिखारी रहेंगे आप निसाब भी लेंगे, आप कल्चर भी लेंगे और आप इस तरह के मौजूदात भी लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इस बारे में भी बताइएगा ना, ये आशिर अजीम ने एक फिल्म बनाई थी जो इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर थी, वो कितना अरसा लटकती रही, प्रूव ही नहीं हुई, फिर मुश्किल से उसे इजाज़त मिली। सरमद सुल्तान की एक फिल्म है जो कि इसी तरह से ट्रांसजेंडर हैं उनके ऊपर और मौजूदात वो भी नहीं क्लियर हो पा रही। तो अगर कोई डेयर करता है कि डिफर करे इन मामला से जो मर्द और औरत की तकसीम से ऊपर की बातें, हम तो मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो सेंसर लग जाता है, वहाँ पर तो पाबंदी, तो जो लगा पटा घिसा पटा एक मौजू है वो तो चलता भी है, बिकता भी है, ना कोई रोकता है, ना कोई उसको उसमें किसी को तकलीफ होती है। तो इस मामले पे भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हमारे सामने आए। बिल्कुल, मैं मालिक शायद फिल्म थी वो जी, उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी जी। चूँकि जो ही बात करप्ट लोगों के ऊपर आती है वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो आप इस वक्त
मुल्की सियासत के उफ़ पर देंगे। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर का इशू है, देखिए मेरा सरमद इज फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं समझता हूँ कि अभी हमारी इंडस्ट्री फल फूल नहीं रही, लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं, और ना ये इतना बड़ा इशू है कि इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि ट्रांसजेंडर इज द इशू विच शुड बी डिस्कस फर्स्ट एंड बाकी सारे मॉरल इशूज जो हम रहने दिए जाएं। मैं सवाल ये पूछता हूँ, इसी तरह की एक हरकत शुएब मंसूर साहब ने की थी बोल में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाया जिससे माँ सिवाय इसके के मुल्क की शक्ल डिस्टॉर्ट और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकल रहा था। मुझे बताइए ऐसे कितने वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिए फराह, मैं आज फिर कहता हूँ, ये एक सोची समझी साजिश है। जब भी फंडेड पैसों से फिल्में बनेंगी और ड्रामे बनेंगे ना, तो इसी तरह के सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी जिससे मेरे मुल्क की शक्ल बिगाड़ के दिखाई जाए। जी ठीक है, ये फरमा दीजिएगा कि एक हमेशा से जो नैरेटिव चला आया है कि भाई फवाशी इसलिए हम डाल देते हैं, उसका अनसर इसलिए होता है क्योंकि मकबूलियत ही तब मिलती है कुछ ऐसा अनसर मौजूद हो। फिर ये बहस तब शुरू हुई जब अर्तुरुल गाजी दिखाया गया, और अर्तुरुल के हवाले से फिर ये बहस शुरू होगी, भाईजान हम तो ये भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो हम तो देख लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमेशा से ये नैरेटिव चला आ रहा है कि लोग नहीं देखते। देखिए सबसे पहले तो ये किसी ने आपको गलत कहा है कि कहीं हमारे शोबिज़ हलकों में भी ये बात मौजूद है कि हम फहाशी दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो थूक देते हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे ड्रामों को। जहाँ तक अर्तुरुल गाजी का ताल्लुक है, आप उसको इस एक दूसरे एंगल से लीजिए कि ये वो थस थी हमारी ऑडियंस की जो टर्की के इस ड्रामे ने आके पूरी की है। हम बदकिस्मती से हमारे चैनल्स ने कभी इस तरह का मुहिब वतन हो के ना सोचा कि हमें अपने लोगों की ऑडियंस को अपने असली और सच्चे हीरो दिखाने हैं। ये काम किया आके टर्की के अर्तुरुल ने। आई बिलीव अर्तुरुल इज एन आई ओपनर फॉर अस। दिस इज हाई टाइम वी शुड बी गोइंग फॉर सच प्लेस और वी शुड बी इंट्रोड्यूसिंग आर हीरोज। आप अच्छी तरह जानती हैं, यू नो मी फ्रॉम फॉर ईयर्स, कि मैं ऐसे ड्रामों में हमेशा ऐसे टचेस भी हमेशा रखता रहा हूँ जिसमें पॉलिटिकल जितना मैं कह सकता था ना, जिस तरह मुझे पता था कि सेंसर होने से बच जाएगा और मैं शुगर कोटेड बात कर जाऊँगा, वो मैं करता रहा हूँ। वो मैं लव लाइफ लाहौर में भी की, मैंने प्यारे अफजल में भी की, एंड मैंने ये दस्तों का दरवाज़ा में भी की। तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। बट याद रखिए, मोहब्बत, जब मैं मोहब्बत को भी लिखता हूँ ना, तो मोहब्बत भी डरी हुई है करप्शन से। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बेसिकली जब माशरे में करप्शन से पैसा आता है तो दो जगहों पर लगता है वो। द बिगर पोर्शन इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, और बाकी का पैसा, याद रखिएगा, बहुत बुरी लगेगी बात, बट आई टेल यू ऑन दिस चैनल, बाकी का पैसा दो नंबर औरत के ऊपर खर्च होता है, जिसकी वजह से माशरे में इतना बिगाड़ आता है जिसको आप आसानी से झेल नहीं पाएंगे इन ईयर्स टू कम, इफ यू डू नॉट रियली काउंटर इट राइट नाउ। ठीक है सर, लेकिन वो जो पैसा खर्च करता है उस मर्द का नंबर कौन सा होगा? वो भी घटिया मर्द है, याद रखिएगा, करप्ट, दुनिया में सबसे बुरा मर्द, परहैप्स आई बिलीव, मैं तो किसी रिश्वतखोर आदमी को पास बैठने नहीं देता हूँ, ये मेरा रहा है जिंदगी भर उसूल। आई वुड लव कि ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाए, इनका सोशल बायकॉट किया जाए, इनकी जेब में सिर्फ पैसे कागज की हैसियत से रह जाए, इनकी इज्जत ना रहे। डोंट रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ मनी, यू नो। बिल्कुल सही सर।